अगर आप भी एक आम इंडियन कार बायर हैं तो शायद आपकी भी कार प्रेफरेंसेस में प्राइस के बाद और सेफ्टी से पहले माइलेज आती होगी। इंडिया के ज़्यादातर कार बायर्स ऑटो वेबसाइट्स पर जाकर ज़्यादातर गाड़ियों की माइलेज ही चेक करते हैं राइट आफ्टर देयर प्राइसेस, और इसीलिए शायद से ऐसी वेबसाइट्स पर माइलेज वाला सेक्शन ठीक प्राइस के बाद लिखा जाता है। लेकिन कुछ अनइन्फॉर्म्ड कार बायर्स को शौक तब लगता है जब वो यहाँ लिखी हुई माइलेज के बिना पर गाड़ी खरीद कर लाते हैं और जब उनकी गाड़ी क्लेम्ड माइलेज के आसपास भी नहीं पहुँचती है। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। जैसा शौक लगा प्रदीता कुंदू को, जिन्होंने 2011 में टाटा इंडिगो खरीदी थी एडवर्टाइज माइलेज देखकर, लेकिन टाटा की ये कार अपना दावा पूरा नहीं कर पाई और इसी चलते टाटा मोटर्स को नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन यानी कि NCDRC ने 3.5 लाख रुपए फाइन के तौर पर जमा करने के लिए बोला। और एक सिमिलर केस में बहुत ही रिसेंटली केरला के कंज्यूमर कोर्ट ने फोर्ड को एक व्यक्ति को 3 लाख रुपए कंपनसेशन देने के लिए बोला जब उनकी 2014 की फोर्ड क्लासिक ने 40% लेस माइलेज दी फ्रॉम प्रॉमिस्ड 32 किलोमीटर पर लीटर के मुकाबले। खैर फोर्ड तो ये केस हार गए, लेकिन उनका कहना यह था कि जिस माइलेज को उन्होंने एडवर्टाइज किया था वो उन्होंने खुद नहीं टेस्ट करी थी बल्कि वो एक थर्ड पार्टी ने टेस्ट करी थी। अब मैं ये तो नहीं जानता कि फोर्ड किस थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन हर एक गाड़ी का माइलेज टेस्ट करती है उसे बोला जाता है ARAI। और जैसे अभी मैंने 2 केसेस बताए उन्हीं की तरह आप लोग भी इन माइलेज टेस्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं दिखाई देते हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने एक पोल कराया था जिसमें आप में से 90% लोगों ने ये बोला था कि ARAI क्लेम्ड माइलेज हमेशा ही गलत साबित होती है। और ये सिर्फ इस पोल की ही बात नहीं है, रिसेंटली महिंद्रा ने लेटेस्ट स्कॉर्पियो N लॉन्च करी थी और इसकी ARAI अप्रूव्ड माइलेज बताई गई थी 14 किलोमीटर पर लीटर फॉर डीजल एंड पेट्रोल वेरिएंट बोथ। लेकिन जब ऑटोकार ने इस कार को रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया था तो डीजल माइलेज निकल कर आई थी 11.7 किलोमीटर्स ऑन हाईवे एंड 8.6 किलोमीटर्स इन सिटी, और पेट्रोल वर्जन की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकली, 9.6 किलोमीटर की माइलेज मिली थी हाईवे पर और 7.9 किलोमीटर्स की माइलेज मिली थी सिटी में। और सेम प्रॉब्लम इंडिया के सबसे ज़्यादा चहेते ब्रांड के साथ भी देखने को मिलती है। सुजुकी की वैगनार वो गाड़ी है जिसकी 40% सेल CNG वर्जन से आती है और जिसकी ARAI क्लेम माइलेज है 34 किलोमीटर पर किलोग्राम, लेकिन जो मोस्ट ड्राइवर्स ने रियल वर्ल्ड माइलेज क्लेम करी है वो है सिर्फ 27 किलोमीटर पर किलोग्राम के आसपास। एंड ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अब ये तो क्लियर है कि ARAI की माइलेज बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होती है और इसीलिए ये वीडियो एक बेसिक क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और वो ये कि आखिर अगर ARAI की हर एक गाड़ी की माइलेज गलत होती है तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही क्यों करती है। आज आपको इस वीडियो में ऐसी बातें पता लगने वाली हैं जो आपको पहले भी कभी पता नहीं थी, क्योंकि हमें इस वीडियो से ये भी समझ में आने वाला है कि क्यों सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका के अंदर भी एजेंसीज गलत माइलेज क्लेम कर रही हैं, और तब भी इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम गलत नहीं बोल सकते क्योंकि ARAI जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का काम माइलेज बताना है ही नहीं। तो चलो सबसे पहले हम ARAI को ही समझते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये हैं कौन और ये करते क्या हैं। एक्चुअली ARAI या ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया को 1966 में एस्टैब्लिश किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके हेडक्वार्टर्स हैं पुणे में। ये एक इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव बॉडी है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से एफिलिएशन मिला हुआ है। ये एक एपेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में R&D एंड स्टैंडर्डाइजेशन पर फोकस करती है। दरअसल 1980 में ARAI के अंडर व्हीकल इवेल्युएशन लेबोरेटरी बनाई गई थी और आज तक इस लैब के अंदर फील्ड टेस्टिंग करी जाती है टू व्हीलर्स की, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स की, ट्रैक्टर्स और अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स की जैसे कि CNG और इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ। और इन्हीं सब टेस्टिंग में से एक टेस्ट है फ्यूल एफिशिएंसी या माइलेज टेस्ट। इस टेस्ट को ARAI या तो अपनी स्टैंडर्ड लैब में या फिर ARAI के रिप्रेजेंटेटिव के सामने स्टैंडर्ड प्रोसीजर के साथ मैन्युफैक्चरर ओन लैब में किया जाता है। इस प्रोसीजर को लैब में डायनामोमीटर पर परफॉर्म किया जाता है जिसे डायनो भी कहा जाता है, और ये एक डिवाइस होता है जो टॉर्क और RPM को एक साथ मेजर करता है। और दरअसल ARAI फ्यूल माइलेज को डायरेक्टली मेजर भी नहीं करते हैं बल्कि ये चेक करते हैं नई गाड़ी के एग्जॉस्ट इमिशंस को ताकि वो ये पता लगा सकें कि ये गाड़ी रोड पे चलने के लिए फिट है भी कि नहीं। और इसके लिए वो यूज़ करते हैं मेथड जिसे बोला जाता है इंडियन ड्राइविंग साइकिल, जिसमें कि एमिशंस को नोट करने के लिए फ्यूल फ्लो मीटर का इस्तेमाल किया जाता है और फिर एमिशन ब्रेकडाउन आने के बाद एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ करके फ्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है, यानी कि जो माइलेज मिलती है हमें ये एमिशन टेस्ट के बाय प्रोडक्ट की तरह निकल कर आती है। लेकिन माइलेज तो निकल कर आती ही है ना, तो इसीलिए हमें इंडियन ड्राइविंग साइकिल को और भी ज़्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा ताकि हम ये जान सकें कि ये इतनी ज़्यादा इनएफिशिएंट क्यों है आखिर। ये ड्राइविंग साइकिल 1140 सेकंड्स की होती है टोटल, जिसमें कि पॉज ब्रेक्स,
स्लो और हाई स्पीड्स पर गाड़ी का टेस्ट किया जाता है और इसमें हाईवे और सिटी साइकिल्स होती हैं जो टोटल 10 किलोमीटर को कवर करती हैं और इस टेस्ट में एवरेज स्पीड होती है 31.6 किलोमीटर पर आवर और यहीं से शुरू होती है परेशानी की जड़ क्योंकि इंडियन ड्राइविंग साइकिल कहीं से कहीं तक भी रियल ड्राइविंग पैटर्न को जस्टिफाई नहीं करती है। IDC यानी इंडियन ड्राइविंग साइकिल को 1985 में ARAI ने एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद फॉर्मुलेट किया था और इनिशियली इसमें मैक्सिमम स्पीड रखी गई थी सिर्फ 42 किलोमीटर पर आवर और एक्सेलरेशन भी था 0.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट लेटर इन 2000s मॉडर्न ड्राइविंग साइकिल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें कि मैक्सिमम स्पीड रखी गई थी 90 किलोमीटर पर आवर की। बट स्टिल इसके अंदर ड्रॉबैक्स थे और वो भी बहुत सारे थे जिसमें कि सबसे पहला था टेस्ट की शॉर्ट लेंथ। दरअसल ARAI से 19 मिनट्स तक टेस्ट कंडक्ट करती है जो कि काफी कम है रियल वर्ल्ड सिनेरियो के मुकाबले। दूसरा है वेट। टेस्टिंग के समय सिर्फ गाड़ी के अंदर कार ड्राइवर होता है जिससे कि ओवरऑल गाड़ी का लोड कम हो जाता है और फिगर्स अच्छे आते हैं। तीसरा है डिफरेंट सेंटर्स। गाड़ी के टेस्ट के लिए किस लैब का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे भी नंबर्स पर असर पड़ सकता है क्योंकि ARAI के अलावा इंडिया में इंटरनेशनल सेंटर्स ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी कि ICAT मानेसर एंड व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि VRDE DRDO भी सर्टिफिकेट देते हैं। इसमें फोर्थ रीजन है एयर कंडीशनिंग। IDC में एयर कंडीशनिंग को भी कंसीडर नहीं किया जाता है जबकि AC से फ्यूल कंजप्शन पर डायरेक्टली असर पड़ता है और इंडिया में तो वैसे भी AC की डिमांड हाई है गाड़ियों के अंदर क्योंकि गर्म मौसम है हमारे यहाँ पर। खैर इन सभी बातों के अलावा जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से माइलेज गलत आती है वो ये है कि इन गाड़ियों को रियल वर्ल्ड कंडीशन के हिसाब से टेस्ट नहीं किया जाता है। IDC ना तो सडन एक्सेलरेशन को अकाउंट में लेती है ना ही खराब रोड्स को ना ही टेरेन्स को और लैब टेस्टिंग के अंदर सिर्फ रूम टेम्परेचर पर ही टेस्ट किया जाता है और यही रीजंस हैं जिसके कारण लैब के अंदर माइलेज एकदम आइडियल आती है जो कि रियल लाइफ में निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब यही जो बात है ना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करती है विच इज अगर लैब टेस्टिंग एक्यूरेट नहीं है तो ARAI व्हीकल्स को रोड पर टेस्ट क्यों नहीं करते हैं। देखो अब इसका तो जो सिंपल सा आंसर है ना वो है फेयर प्ले। चलो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी हमने AC की बात करी थी थोड़ी देर पहले तो ये जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं ना इनमें AC का लोड इंजन पर ज़्यादा होता है क्योंकि इंजन छोटे होते हैं और इसकी वजह से AC पर चलने पर इन कार्स की माइलेज बड़ी कार्स के मुकाबले ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसी तरह दूसरा रीज़न है कि रोड्स पर टेस्टिंग करते टाइम सेम ट्रैफिक सिचुएशन हर बार मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जिसकी वजह से सडन ब्रेकिंग एंड सडन एक्सेलरेशन भी गाड़ी के लिए एक जैसा क्रिएट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और तो और डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट विंड स्पीड तक भी माइलेज को अफेक्ट कर सकती हैं और इसीलिए लेबोरेटरी में कंसिस्टेंट एंड रिपीटेबल कंडीशंस में गाड़ियों को टेस्ट किया जाता है और यही जो फेयर प्ले वाला फैक्ट है ना यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बाहर की ऑर्गेनाइजेशन भी कार्स को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने के बजाय लैब्स के अंदर टेस्ट करती हैं। और एक इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है यूरोप। यूरोप में व्हीकल्स को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप यानी कि UNECE टेस्ट करते हैं और सर्टिफाई करते हैं और 2019 के बाद इन्होंने वर्ल्ड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर यानी कि WLTP को अडॉप्ट कर लिया था। ये जो UNECE वाला टेस्ट था ना इसी पर इंडिया वाले टेस्ट बेस्ड थे लेकिन ये जो नया WLTP वाला टेस्ट आया था ये पुराने टेस्ट से काफी ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसके अंदर एवरेज स्पीड बढ़ाकर 46.5 किलोमीटर पर आवर कर दी गई थी एंड मैक्सिमम स्पीड 131.3 किलोमीटर आवर तक पहुंचा दी गई है। साथ ही साथ इसमें डिस्टेंस भी 20 किलोमीटर से बढ़ाकर 30 किलोमीटर तक कर दिया गया है जिसके अंदर टेस्टिंग करी जाती है एंड इसमें स्टीप एक्सेलरेशन एंड एब्रप्ट पॉज भी ऐड करे गए हैं। और हाँ ये टेस्ट भी लैब के अंदर ही किया जाता है लाइक इंडिया। इसका दूसरा एग्जांपल है USA। US में भी एनवायरमेंटल प्रोसीजर एजेंसी यानी कि EPA फेडरल टेस्ट प्रोसीजर को कंडक्ट करती है जिसने 2008 के बाद से अपने टेस्ट के अंदर 3 नई साइकिल्स को इंक्लूड कर दिया है जिसमें कि हाई स्पीड एक्सेलरेशन और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आर तक जाती है। इसके अलावा एयर कंडीशनिंग की भी एक साइकिल ऐड करी गई है और साइकिल के अंदर कोल्ड टेम्परेचर्स को भी अकाउंट में लिया गया है जहां पर सिटी साइकिल -7 डिग्री सेल्सियस पर परफॉर्म की जाती है। अच्छा अब जो US है वहाँ तो इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं लैब टेस्ट जैसे आप देख सकते हैं लेकिन इसके बावजूद भी एक्यूरेसी आसपास नहीं है रियल वर्ल्ड माइलेज के हिसाब से। और ये दिक्कत सिर्फ इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों के साथ ही नहीं है बल्कि EVs एंड हाइब्रिड के साथ भी ये रेंज वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अलग अलग एजेंसीज के रेंज के नंबर अलग अलग देखने को मिलते हैं और आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं जैसे कि जहां पर एक तरफ NEDS रिलेटिवली हॉटर टेम्परेचर पर टेस्ट करती है वहीं EPA कोल्डर टेम्परेचर पर टेस्ट करती है और बैटरीज वार्म टेम्परेचर के अंदर ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। और ऐसा ही कुछ हमारे इंडिया के अंदर टाटा नेक्सॉन के साथ भी देखने को मिल रहा है। यहां पर टाटा नेक्सॉन की माइलेज ARAI ने क्लेम करी थी 312 किलोमीटर पर चार्ज लेकिन कंज्यूमर्स को ये माइलेज सिर्फ 220 से 250 किलोमीटर के आसपास ही मिल पा रही है यानी कि क्लेम करने के मुकाबले 70 से 80%।
और हद तो तब हो गई जब दिल्ली के एक रेजिडेंट को सिर्फ 200 किलोमीटर की ही रेंज मिल रही थी, तो उन्होंने क्या करा कि दिल्ली गवर्नमेंट को कंप्लेंट डाल दी इसकी। उसके बाद थोड़ा इशू भी हुआ था टाटा के साथ दिल्ली गवर्नमेंट का। अब ये जो मैंने आपको इंडिया के बाद यूरोप और अमेरिका की टेस्टिंग के बारे में बताया है ना, ये कोई माइलेज टेस्ट है ही नहीं। दरअसल मैंने आपको इंडिया वाले पार्ट में पहले बता दिया था कि गाड़ियों की माइलेज टेस्ट डायरेक्टली नहीं करी जाती है, बल्कि ये एमिशन टेस्ट का एक बाय प्रोडक्ट होता है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस लैब के अंदर टेस्टिंग करती हैं, चाहे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो या कम, और इसीलिए इनके रिजल्ट्स कभी भी एक्यूरेट नहीं आते। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशंस रोड पर भी टेस्ट करती हैं, पर वो भी सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस को चेक करने के लिए की जाती हैं, ना कि माइलेज को बताने के लिए। दरअसल माइलेज बताने का काम तो गवर्नमेंट का होता ही नहीं है, ये काम तो कंपनीज का होता है। और जैसे वो अपनी गाड़ियों की एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड बताते हैं, उन्हें अपनी माइलेज भी बतानी चाहिए खुद टेस्ट करके। अच्छा, अगर ARAI का काम माइलेज बताना नहीं है तो आखिर कंपनीज ARAI की ही माइलेज क्यों क्लेम करती हैं? इट्स रियली सिंपल, क्योंकि माइलेज एमिशन टेस्ट में तो वैसे भी निकल कर आई जाती है, तो अब कंपनीज उसको माइलेज के तौर पर क्लेम कर देती हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट पर ज़्यादा भरोसा करते हो कंपनीज के मुकाबले। और वैसे भी जो माइलेज एमिशन टेस्ट के बाय प्रोडक्ट की तरह निकल कर आती हैं, वो रियल वर्ल्ड माइलेज से वैसे भी ज़्यादा होती हैं, और इससे कंपनीज को फ़ायदा मिलता है। और कंपनीज आखिरकार ऐसा फ़ायदा उठाए ही क्यों ना। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सर्वे बाय फोर्ड, इंडिया में जो टोटल बायर्स में से 67% लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी एफिशिएंसी है, और सिर्फ 33% लोग ही इंजन पावर या परफॉर्मेंस को देखते हैं। एक्चुअली ये सर्वे एशिया पैसिफिक की 11 मार्केट्स में किया गया था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, मलेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान और न्यूजीलैंड में ये नंबर 80% से भी ज़्यादा है। एंड सरप्राइजिंगली इस सर्वे में इंडिया सेकंड लोएस्ट पर आता था, जहां पर लोग माइलेज के हिसाब से गाड़ियों को बाय कर रहे थे। यही रीज़न है कि कंपनीज बोस्ट करती हैं गवर्नमेंट नंबर्स को, क्योंकि इससे उनको मेन कॉम्पिटिशन के अंदर घुसने का मौका मिलता है। एंड एक्चुअली कंपनीज खुद को कोर्ट केसेस से भी बचाने का ध्यान रखती हैं, और इसीलिए माइलेज के ऊपर वो एक छोटा सा स्टार मार्क लगा देते हैं। और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जब भी आप गाड़ी खरीदने जाते हो, तो जो भी ARAI माइलेज क्लेम करी गई होती है ना कंपनी द्वारा, उससे रफली 20-30% लोअर नंबर्स की ही एक्सपेक्टेशन रखा करो गाड़ी खरीदते टाइम। अब इस प्रैक्टिस को रोकना तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वो आपके हाथ में ज़रूर है, ताकि वो लोग भी अवेयर रहें और आगे गाड़ी खरीदते टाइम ध्यान रखें कुछ बातों का। और इसके साथ ही साथ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस को बनाने में। इस वीडियो में कमेंट करिए और लाइक भी ज़रूर करिए।